हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं खिचड़ी। खिचड़ी अपने आप में संपूर्ण भोजन है जिसमें आयरन, विटामिन और सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आज हम बनाएंगे अरहर की दाल यानी तुअर दाल से खिचड़ी। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है अरहर की दाल और चावल। जितना हमने अरहर की दाल लिया है ना, उसका दो हिस्सा हमें चावल लेना है। आप मात्रा बराबर भी रख सकते हो। एक बड़े से बाउल में हम चावल और दाल को डालेंगे और दो से तीन बार पानी डाल करके अच्छे से साफ करके धो लेंगे। उसके बाद एक कुकर लिया है मैंने और कुकर में हम चावल और दाल को डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे फूल गोभी। फूल गोभी को मैंने बारीक बारीक तोड़ लिया है जो उसके फूल थे। और इसके बाद जो है हम इसको यूज़ कर देंगे। इसी के बाद जो है मैंने लिया हुआ है आलू। आलू का छिलका उतार करके और बड़े बड़े टुकड़ों में थोड़ा सा कट किया हुआ है। अब गाजर डाल देंगे। गाजर को बारीक मैंने चॉप किया है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे एक कप हरी मटर। इसी के साथ इसमें डाल देंगे हम पानी। तो यहाँ पर हमने जितना चावल और दाल लिया था ना, उसका 5 गुना पानी डालना है। तो यहाँ पर मेरा 5 गुना पानी 4.5 कप हो रहा है, तो मैं 4.5 कप डाल रही हूँ। आप चावल और दाल को नाप लीजिएगा, फिर उस हिसाब से पानी डालिएगा। पानी डालने के बाद अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक यूज़ करेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने से खिचड़ी का कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर देंगे और कैप लगा करके फ्लेम मीडियम रखेंगे। कुकर की 3 सीटी बजने तक पका लेंगे। तो आप 2 से 3 सीटी बजने तक पका लीजिएगा। मैंने यहाँ पर पका लिया है। अब हम खिचड़ी को थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि जो अलग अलग पीस दिख रहा है ना, वो मिक्स हो जाए अच्छे से। आलू के पीसेस बड़ा लगे तो आप उसको थोड़ा सा मैश कर सकते हो। ये देखिए खिचड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो खिचड़ी को ऐसे सर्व कर सकते हैं, और अगर आप इसे और भी चटपटा और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम तड़का देंगे। एक पैन में मैंने ऑयल डाल करके रख दिया है गरम होने के लिए। ऑयल गरम होने के बाद इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा को अच्छे से पका लेंगे। जैसे ही जीरा अच्छे से क्रश हो जाएगा, थोड़ा सा हींग डाल देंगे। हींग का स्वाद बहुत बढ़िया खिचड़ी में आता है, आप हींग ज़रूर यूज़ करिएगा। उसके बाद डालेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में कट किया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप बारीक चॉप करके यूज़ कर दीजिएगा। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और कुछ देर तक पका लेंगे। लगभग 1 से 1.5 मिनट में सभी चीज़ बढ़िया से पक करके तैयार हो जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कलर चेंज हो गया है, तैयार हो गया पक करके। तो डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो। 1/4 चम्मच डालेंगे गरम मसाला, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। कुछ समय तक पका लेंगे। जैसे ही मसाले से सूंधी सूंधी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, फिर इसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को बारीक चॉप करके लिया हुआ है। डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। हमने खिचड़ी में पहले नमक डाला हुआ है, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने स्वाद के अनुसार नमक का यूज़ करिएगा टमाटर में। टमाटर में नमक डाल देने से टमाटर जल्दी गल जाएगा। लगभग 2 से 3 मिनट तक हम टमाटर को मिक्स करते हुए पका लेंगे। जैसे ही टमाटर गल जाएगा, बढ़िया से पेस्ट बन जाएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे खिचड़ी। तो यहाँ पे हमने जितनी खिचड़ी ली हुआ है ना, वो सारी खिचड़ी ऐड करेंगे। खिचड़ी जो है ना, काफ़ी गाढ़ी लग रही है, तो मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ इसमें पानी। लेकिन हम कच्चा पानी यूज़ नहीं करेंगे। कच्चा पानी यूज़ करने से खिचड़ी का स्वाद ख़राब हो जाएगा। पानी को पहले उबाल लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद फिर हम खिचड़ी में डालेंगे। 1 कप पानी का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थीक रहती है खिचड़ी, तो उसका स्वाद अच्छा नहीं आता है। खिचड़ी हल्का सा गीली गीली अच्छी लगती है, स्वादिष्ट लगती है। 1 चम्मच यहाँ पर घी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देसी घी लिया हुआ है। देसी घी से खिचड़ी का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। सभी चीज़ों को अब हम मिक्स करेंगे। 2 मिनट तक मैंने सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो करेंगे और कैप लगा करके 3 से 4 मिनट ना पकने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट में बढ़िया से पक करके तैयार हो जाएगा, मसालों का फ्लेवर खिचड़ी में आ जाएगा। 3 मिनट बाद मैंने कैप उठाया हुआ है। फ्रेशनेस के लिए ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे और फिर हम मिक्स करेंगे। फ्लेम अब हम ऑफ कर देंगे।
बहुत ही बढ़िया से खिचड़ी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। इसे अब हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है ना, इसकी खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। तो आप इस तरीके से खिचड़ी बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल जरूर उसका सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही चटपटी रेसिपी आपको मिलती रहे। फेसबुक पर देख रहे हैं तो तारा कुशवाहा फेसबुक पेज को फॉलो करिए।